Well, आज की मेरी टू डू लिस्ट में है कि मैं जो अपना ऑफिस से सामान लाई उसको अपनी जगह पे रखूं. इट्स बीन वेरी लॉन्ग दैट आई बीन डीलिंग इट एंड इट्स हाई टाइम आई जस्ट डू इट फॉर गॉड्स सेक. वेल बाय द टाइम आई जस्ट ओपन्ड दैट बैग आई अनबॉक्स्ड सो मेनी मेमोरीज फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ माई वर्क एंड आई टोल्ड यू गाइस आई विल टेक यू गाइस विद मी ऑन द लास्ट डे ऑफ माई वर्क एंड शो यू हाउ वी एक्चुअली स्पेंड इट. तो मैंने वो चीज रिकॉर्ड की है. वेल बिफोर यू सी दैट वीडियो आई वुड लाइक टू गिव यू अ लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट माई वर्क प्लेस. देयर वी हैव We are three partners. We have housekeeping department, we have cooking department, we have supervisors, I mean the play supervisors, we have a watchman uncle, we have a cafe manager, and we all stay as a family once we are there. So when work comes, we do professionally work. But when we are not working, when it's a chill day like we had our last day, we just break free. And I think it is very important. Now we work for a play center, so our culture of work should also be as good as that of kids. To embrace any work environment, you need to literally get into it and become that. For example, if you're in a corporate world, you have to be very professional, very formal, dressed up like that. Similarly, when you're working for a play center, when you are working in a play center, you need to be as vibrant, as happy, and as outgoing as a child. And that's exactly what we did on the last day of our work. हम कभी differentiate नहीं करते कि आप boss हो, आप staff हो. हम हमेशा एक family बनके रहते हैं और इसीलिए हमें अपने workplace में रोज उठ के जाने को मजा आता है. We look forward to it rather than, you know, most of the workplaces are like, oh god, it's a Monday, who wants to go to work. हाँ, Sunday कभी कभी ऐसा लगता है कि you want to spend time with family. But वो कभी कभी लगता है because at the end of the day, I know when I go to work, that's also my family and in fact, I'm having more fun there. Now I'll get on to unpacking things till then. You go and watch how we spent our last day at work. सगळे इकडे या. एक मीटिंग करायची आहे तुमच्या सोबत. हे सांगणार मी हो आणि तू मराठी मध्ये बोलणार. मी मराठी मधून बोलते. काय? मी मराठी मधून मधून नाही मराठी. प्रगती सिंग आपका डाइन है. डाइन होता है कि डैन होता है, क्या होता है? तो डाइन ही बोलते हैं. हाँ, डाइन ही होता है ना, हम लोग बचपन से डाइन ही बोलते हैं. आज हमने ऑर्डर की है कुछ सैंडविचेस फ्रॉम सैंडविचा विच इज आवर फेवरेट. तो ये है वेजी मेयो दोनों हमारे लिए. yes, और ये है स्पिनच कॉर्न फॉर द हसीना. जस्ट ये सैंडविच खाते खाते इसने कुछ कहा है, क्या आप वो रिपीट कर सकते हो? मैगी खाएंगे कभी शाम को. बजे और साथ में सोच लूं एक चाइनीज मील भी खा लूं. पहले जो हाथ में पकड़ा है वो तो खत्म कर. और ये दूसरी हाथ में सैंडविच पकड़ा है और ये स्विगी कर रही है. तो ये अभी आई है और इसके लिए एक सरप्राइज है. शिट मैन, सही पहचाना. बट आपने गलत बोला. ये सच्ची में मैं बोलने वाली थी कसम से कि मैं आज ये मंगाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत भूख लगा है. भूख लगा है. थैंक यू. ये तुम्हारी फेयरवेल पार्टी है. तुमको बचा लिया. हाँ. दिखाओ तुम्हारी जॉली. खाते खाते कौन ऐसे उठ के भागता है.
जॉली। हाँ बताओ आप क्यों सैड हो, बताओ। हंस रहे हो आप, क्यों सैड हो आप लोग? काम के लिए। काम के लिए कि हम काम क्यों बंद हो रहा है वो अभी? काम के लिए। अच्छा हमको लगा हमारे लिए सैड हो। नहीं बोलो, सबके लिए। अच्छा आप मिस करोगे हम सबको? हाँ। एज विल यू मिस अस? यस। एंड प्रगति आप मिस करोगे? हाउ मच? हाँ बहुत सारा। पाचा में आ भी जाए हमारे काम पर। 30 अप्रैल तक तो भूल जाओ। और तेरा क्या सिचुएशन है? मैं तो आधी हो जाऊंगी तो अच्छा है ना। तुझे क्या याद आएगा? अपनी गॉसिप याद आएगी मेरे को, सब कुछ स्लाइड पे खेलना कूदना। तू शिवांगी की तरह की बात कर रही है। मेरे लिए मस्त आलू का पराठा भी बनाया था। हजी खाएने वो भी था। सब कुछ याद आएगा। सबसे ज्यादा क्या मिस करोगे? हम तीन तीनों को सबसे ज्यादा मिस करूंगी। गुड आफ्टरनून वीर जी, कैसे हो? अच्छा मैडम। वैक्सीनेशन हो गया आपका? हाँ मैडम। अच्छा तो मैं ये बोलना चाहती थी कि अभी आप कल से आना भी मत। क्यों मैडम? क्योंकि काम नहीं है वीर जी, कल से मत आना आप। काम नहीं है मतलब? मतलब कल से कुछ काम नहीं है तो आप कल से छुट्टी ले लेना। ऐसा क्यों मैडम? आज जरूरत थी, आज सब आ रहे थे पर आप नहीं आए। तभी जब भी काम नहीं होगा फिर आके क्या मतलब है वीर जी? सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ, कल से गवर्नमेंट ने ही सब लॉकडाउन कर दिया है। गवर्नमेंट ने ही कल से सब लॉकडाउन कर दिया है, इसीलिए कल से प्ले अराउंड बंद रहेगा। सरप्राइज। इसीलिए बोल रहे हैं, हम मजाक कर रहे थे आपसे। सॉरी मैं बोला डर गया मतलब। नहीं नहीं डरने की कोई बात नहीं है, कल से वैसे भी प्ले अराउंड बंद है ना, इसलिए हम आपको इन्फॉर्म करने के लिए कॉल कर रहे थे। ठीक है चलिए ध्यान रखिए, बाय। फाइनली हमारा फेयरवेल हो रहा है विद दिस स्वीट लिटिल थिंग दैट वी ऑल लव फ्रॉम हैंग आउट विच इज अ फज ब्राउनी एंड इट इज एगलेस। अभी खाते खाते सैंडविच खाते खाते बोल रही शाम को फ्रैंकी खाएगी। जस्ट तूने अभी खत्म किया और बोल रही खाएगी चाइनीज भेल। कुछ तीखा खाने को बहुत मन कर रहा है। अच्छा अभी थोड़े ही घंटे हैं, लास्ट डे तो खा लेते हैं। लास्ट डे तो ऐसे बोल रही जैसे पता नहीं। वी आर ऑल गोना कम बैक। चाइनीज भेल थोड़ी मिलता है उधर, अच्छा नहीं मिलता है। We're all gonna come back और हम खाने वाले हैं हीरन। This vlog comes to an end. You know what? Goodbyes are extremely hard, but we all have to hold on to the belief
that things will normalize soon and we will all live a normal life again. Well, अभी जो cases बढ़ रहे हैं उसको देख के तो ऐसे नहीं लगता that everything will be fine in a jiffy, but we can at least expect, hope and have faith that we can together work it out and make India corona free again. Well, and I just can't wait to get back to work and reunite with my work fam. So let's all hope that things get normalized soon and we all enjoy our normal life again. But आपको अगर ये vlog अच्छा लगा हो तो please do like, share and subscribe to my channel. Also follow me on Instagram at fantasticnari. And yes, please hit the bell icon so that you get notified every time I post a new video on YouTube. See you next time, my lovelies. Bye.